हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी और इसके लेटेस्ट टारगेट, जैसे कि आप देख रहे हो थंबनेल में 7,000 रुपये। और किस लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक और आने वाले क्वार्टर फोर शानदार रिजल्ट पेश किया है और बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और बहुत अच्छा टाटा मैनेजमेंट के हाथ में है। स्ट्रॉन्ग बाई का टेक्निकल व्यू में वो बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाई का अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से भी शेयर जो है दुगना होने का दम रखता है। तो बेस्ट शेयर है दोस्तों के आने वाले टाइम का। बहुत ज़्यादा ब्रोकेज हाउस इसको लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन कुछ कुछ सारे लोग माल उठा रहे हैं और आपको भी उठाना चाहिए। बाई ऑन डिप्स और बाई करंट मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हो। देखो कैसे कैसे इसके प्रोजेक्ट हैं। ये क्या करता है, डिज़ाइन करता है, डिज़ाइन और सर्विस प्रोवाइड करता है। डिज़ाइन किस में करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में आपका ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस में 48 कंट्री में अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड करके रखा है। जैसे रेलवे में देख सकते हो, और ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस विद डिजिटल इनोवेशन इन रेलवे। तो मेट्रो में जितने भी आपका डेवलपमेंट है वो टाटा एलेक्सी का किया हुआ है और आने वाले इंटीग्रेटेड डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख रहे हो धीरे धीरे वर्ल्ड जो है ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। तो टाटा एलेक्सी की शेयर आपके पास होना चाहिए, कोट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये इतना अच्छा स्टॉक है दोस्तों कि आपका 499 से 2020 मार्च में अगर देखोगे तो 499 में मैंने बाई किया था, लेकिन 800 में बेच दिया था। ये उसके बाद भी 1500, फिर 2500, अब 3200। तो क्वार्टर फोर देख सकते हो प्रॉफिट जंप टू 40%। तो बेस्ट शेयर है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा ये रिटर्न देने के लिए आपका तैयार है। और रिफाइनिंग और जितने भी आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल जॉब है सब ये डिज़ाइन करके देता है दोस्तों अपना कस्टमर को। ऑनलाइन बेसिस कस्टमर है, ट्रैफिक इनका ऑनलाइन बेसिस आता है और देख सकते हो कैसे बुलिश पैटर्न आज के दिन में बनाया हुआ है। अभी 10 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंटेंसिक वैल्यू कोई मायने नहीं रखता अभी, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। 50 डे के मूविंग एवरेज को भी टच करना नहीं चाह रहे। एंट्री पॉइंट भी सही है। AGM लिस्ट में इसलिए है, AGM सेबी का भी टीम उनका स्क्रूटनी करता रहता है कि क्या है इसमें, स्टॉक में इतना ज़्यादा बुलिश क्यों है। इनका क्वार्टर फोर रिजल्ट इतना स्ट्रांग है, मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है और एक्सपेंडेशन इतना स्ट्रांग है। 67% एक्सपर्ट अभी भी बुलिश है इस स्टॉक को लेके। देख सकते हो रेवेन्यू कैसे जनरेट करके दे रहा है। और जैसे के जैसे जैसे लॉकडाउन पार्शियल ऑल ओवर वर्ल्ड अभी भी थोड़ा बहुत लॉकडाउन है, तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है, क्योंकि नया नया चीज़ डिज़ाइन करके, नया नया इंटीग्रेटेड सर्किट, नया नया आपका टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। स्टॉक लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग है जो स्टॉक के लिए बहुत बड़ा है। जैसे क्वार्टर फोर अर्निंग 23 अप्रैल 2021 का मैं बता रहा हूँ आपका, 7:30 बजे का न्यूज़ है ये दोस्तों। कंपनी रेवेन्यू देखो कितना कलेक्ट करके दिया है। जैसे कि मैं बोला था, लीडिंग प्रोवाइडर डिजाइनर एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज अक्रॉस द इंडस्ट्रियल, नॉट ओनली इंडस्ट्रियल, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द सेगमेंट ये काम करता है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी बात है। ROC जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, तो देखो 40% जो अपना एम्प्लॉय को देने के बाद भी इसका 40% प्रॉफिट बचता है, जो ये बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। 30 के ऊपर ROC मतलब है कि ग्रेट फंडामेंटल होता है इसका, 40% है। तो आप देख सकते हो कि 50 डेज DMA को भी इसने टच नहीं किया। मेंटेनिंग CAGR पे आउट और डिविडेंड जो है 36% पेड करता है। ROE देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी पे देखो आपका 28% है। तो बहुत ज़्यादा बुलिश है और मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके कोर पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए, जैसे अदानी का स्टॉक होना चाहिए। जैसे CAGR देख सकते हो आप, CAGR 289% है 1 ईयर का। इंडिया मार्ट होना चाहिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, FL इंडिया होना चाहिए, जस्ट डायल होना चाहिए। तो ये भी स्टॉक आपके कोर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देख सकते हो 40%, तो मार्च 2021 में 40% धमाकेदार, एक से एक ईयर में आपका बढ़ा के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो।